इस यूनिट कन्वर्जन के वीडियो में हम लोग आज वॉल्यूम और वेट को समझेंगे। इससे पहले हम लोग लेंथ और एरिया के यूनिट कन्वर्जन देख चुके, ये पार्ट थर्ड है। चलिए पहले बात करते हैं वॉल्यूम क्या होता है। कोई भी 3D फिगर के भीतर कितना जगह खाली है जिसमें कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस भरा जा सकता है, उस जगह को ही उस 3D फिगर का वॉल्यूम कहते हैं। और वेट होता है कि वह कितना भारी है, यानी अर्थ उसको कितना फोर्स से नीचे खींच रहा है, ये फोर्स ही वेट कहलाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझिए। मान लीजिए कोई एक क्यूबॉइडल या क्यूबिकल टैंक है, क्यूबॉइडल या कोई भी एक क्यूबिकल टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ, कोई भी लिक्विड या कोई पानी भरा हुआ, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। मान लीजिए इसका लेंथ L है, इसका ब्रेथ B है और इसका हाइट H है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, ये आप सब जानते हो। तो अब इसके वैल्यू को चेंज करते हैं, लेंथ को ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ को भी ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर और हाइट को भी ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब ये एक क्यूबिकल टैंक हो गया, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इतना जो है ना, इसी को 1 लीटर कहा जाता है, ठीक है, 1 लीटर इसी को कहा जाता है, ठीक। इस टैंक में जितना पानी भरा हुआ है उसी को 1 लीटर कहा जाता है, समझ में आ गया, ये याद रखने वाली बात है। अब मान लो इसको सेंटीमीटर क्यूब में ना लिखकर हम लोग मीटर में लिखना चाहे, तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सारे को, हो गया मीटर इंटू 10/100 मीटर इंटू 10/100 मीटर। अब ये कटेगा, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 1, हो गया 1000 मीटर क्यूब, 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप उल्टा भी लिख सकते हो, ये 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है, ये भी एक याद करने वाली बात, ये आप दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम के लिए फिर से वही सीरीज बनाते हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया है। इसमें आता है, पहला है मिलीलीटर, दूसरा है सेंटीलीटर, फिर है डेसीलीटर, फिर है लीटर, फिर डेकालीटर, फिर है हेक्टोलीटर, फिर है लास्ट में किलोलीटर, ठीक है, किलोलीटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ml, ये है cl, इसको लिखते हैं dl, इसको l, इसको ऐसे कर देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको लिखते हैं dl, इसको लिखते हैं hl, हेक्टोलीटर, और ये किलोलीटर को kl, ठीक है। अब हम लोग ये तो जानते ही हैं कि नीचे से ऊपर जब भी कन्वर्ट करना है तो गुना करना है, और ऊपर से नीचे आना है तो डिवाइड करना है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको। चलो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। अब देखो यहाँ सीरीज में लीटर और मिलीलीटर में 3 पोजीशन का फासला है, तो यानी 1 पे 3 0 हो जाएगा, 1000 ml। उसी तरह आप मुझे बताओ कि 8.5 लीटर में कितना ml होगा, तो आप कहोगे कि सीधा हम लोग लिखेंगे 8.5 into 1000,
इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 8520। डेसिमल यहाँ से तीन डिजिट आगे आ गया ml। इसको ऐसे भी लिखोगे 8.5 × 10³, ऐसे भी लिख सकते हो 8.5 × 10³ ml। फिजिक्स में हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं, ये ज़्यादा आसान होता है। इसी में हम लोग उल्टा देखते हैं, जैसे अब रहेगा 1 ml बराबर कितना लीटर, ठीक है। तो इसमें होता है 1/1000। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो तीन पोजीशन नीचे आना पड़ रहा है और नीचे आने के लिए डिवाइड होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हो 0.001 लीटर, ठीक है। ये हुआ। अब इसी में देखते हैं 2.5 ml में कितना लीटर होगा, तो सीधा हम लोग लिख देंगे 2.5 × 10⁻³ लीटर, ठीक। या ऐसे भी लिख सकते हो इसको 0.0025। डेसिमल पीछे गया, यहाँ से तीन डिजिट पीछे गया क्योंकि डिवाइड हुआ है, ठीक है। ये हुआ आपका। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इस बार है 1 kL बराबर कितना लीटर, ठीक। तो आप देख रहे हो तीन ऊपर है, ठीक है। तो ऊपर में मल्टीप्लाई होता है, तो 1 × 3 0 मल्टीप्लाई हो गया। आप इसी चीज़ को 10³ लीटर भी लिख सकते हो, ठीक। फिर इसी में 2.5 kL हो और इसको अगर लीटर में चेंज करना हो तो आप सीधे लिख दोगे 2.5 × 10³ लीटर, ठीक है। अगर नहीं तो आप गुना भी कर सकते हो, इसको गुना करोगे तो हो जाएगा 2.5, यहाँ था डेसिमल 0.0, तीन डिजिट बाद यहाँ से यहाँ आ जाएगा डेसिमल क्योंकि गुना हुआ है लीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये दोनों आप यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। इसी का जस्ट उल्टा मैं आपसे पूछूं तो आप झट से बता दोगे कि 1 लीटर में कितना किलोलीटर होगा। देखो तीन पोजीशन नीचे आना है तो डिवाइड करना है, 1 × 1³ से डिवाइड कर देना है 1/1000 kL। उसी तरह 8 point, अच्छा इसको हम लोग 10⁻³ kL भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ 8.43 L में कितना होगा, 8.43 × 10⁻³ kL, ठीक। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8.43 / ये 1000 नीचे आ जाएगा। अब हमको डेसिमल पीछे ले जाना है, बस पीछे आ जाएगा तीन डिजिट 00843। डेसिमल कहाँ था, यहाँ था और यहाँ से तीन डिजिट पीछे आ गया क्योंकि डिवाइड था, ठीक है। अब वॉल्यूम होता है यहाँ पे ख़त्म। अब शुरू करते हैं वेट का मेजरमेंट। इसके लिए भी वैसा ही है, सबसे पहले मिलीग्राम, ठीक। उसके बाद आया था सेंटीग्राम, फिर है उसके बाद डेसीग्राम, फिर है ग्राम, फिर है डेकाग्राम, फिर है हेक्टोग्राम, फिर है लास्ट में किलोग्राम, ठीक। किलोग्राम इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे mg, मिलीग्राम। सेंटीग्राम को लिखेंगे cg, डेसीग्राम को dg, ग्राम को सिर्फ g, डेकाग्राम को dag, ठीक। हेक्टोग्राम को hg और किलोग्राम को kg, ठीक है। नीचे से ऊपर जाने में आपको गुना करना है, आपको पता है, और ऊपर से नीचे आने में डिवाइड करना है, ठीक। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 1 ग्राम इक्वल टू कितना मिलीग्राम। आप देख रहे हो तीन पोजीशन ऊपर है तो गुना होगा 1/3 0, ठीक। उसी तरह नेक्स्ट है 4.7 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा, आप बताओ मुझे।
होगा 4.7 इंटू 10^3 मिलीग्राम, ऐसे भी लिख सकते हो गुना करके 4700 मिलीग्राम। ठीक, ये हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। आप मुझे बताओ 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा। ठीक, तो 1 बाई 1000 ग्राम होगा, क्योंकि 3 पोजीशन नीचे है ग्राम। ठीक, उसी तरह 5.49 मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा। तो आप सीधे लिखोगे 5.49 इंटू 10^-3। इसको चाहो तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। 5.49 यहाँ था डेसिमल, 3 डिजिट पीछे जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, यहाँ से 3 डिजिट पीछे ग्राम। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। 4.3 मिलीग्राम में कितना ग्राम, तो 4.3 इंटू 10^-3 ग्राम। इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। 4.3 है तो 3 डिजिट पीछे चला जाएगा डेसिमल, यहाँ आ जाएगा डेसिमल। ठीक, ग्राम, ये हुआ बात। कभी कभी आप वेट के मेजरमेंट के लिए टन का भी प्रयोग देखे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक टन में कितना केजी होता है। तो 1 टन में 1000 केजी होता है, यानी 1000 केजी में 1 टन होता है। ठीक, लेकिन ये कभी कभी वैल्यू चेंज भी होता है, जैसे कि 1 टन में 907 केजी आपको देखने को मिलेगा। ये अमेरिका देश में यूज किया जाता है, अमेरिका इसको 907 केजी मानता है, हम लोग इसे 1000 केजी मानते हैं। ठीक है, फटाफट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है 4.7 केजी में कितना मिलीग्राम होगा, तो आप देखो 6 पोजीशन पे मिलीग्राम है, तो हो जाएगा 4.7 इंटू 10^6 मिलीग्राम। ठीक, नेक्स्ट 9.8 सेंटीग्राम में कितना किलोग्राम, तो आप देख रहे हो 5 पोजीशन नीचे है, 5th पोजीशन पे है किलोग्राम नीचे, तो 9.8 इंटू 10^-5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है 4.2 ग्राम में कितना किलोग्राम, तो केजी 3 पोजीशन नीचे है, तो हम लोग लिखेंगे 4.2 इंटू 10^-3 केजी। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 4.2 डिवाइडेड बाई 1000, डेसिमल पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0042 केजी। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब वीडियो को एंड करते हैं। इससे पहले आप लोग ज़रूर बताओ ये कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। आप हमें कमेंट करके बताओ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।